नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरे पास एक लैपटॉप आया था जो कि इधर है। तो ये मदरबोर्ड है डेल का, जो लैपटॉप है इंस्पिरॉन 5559 करके है, उसका मदरबोर्ड है। तो इसका पार्ट नंबर देख लीजिए, LAD71P करके है। इसमें i3 6th जनरेशन का। तो पहले आया तो कस्टमर क्या बताता था कि पावर बटन प्रेस करके अडाप्टर लगाने के बाद लैपटॉप ऑन होता है। ओके, तो मैंने इसके सब सप्लाईज चेक किए, SIO के सप्लाई चेक किए, पावर बटन का ये सब चेक कर लिया, पर फिर भी ये ट्रिगर नहीं होता है और अभी भी इसमें इश्यू है। मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरा DC सप्लाई ऑन कर देता हूँ। ओके, DC सप्लाई यहाँ पर है, ये देखिए 19 वोल्ट पे सेट है। इसे ऑन किया, ये देखिए 7 mA उठा रहा है यहाँ पर, देखिए। ओके, इसमें फिलहाल यहाँ पर देखिए RTC सेल नहीं लगा हुआ है इसका। अगर RTC सेल नहीं है तो ये अपने आप ऑन होना चाहिए। ओके, पर यहाँ पर देखिए ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसका पावर बटन है, पावर बटन को प्रेस करता हूँ, ये देखिए ऑन नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें एक चीज़ है, मैं दिखा देता हूँ। तो फिलहाल हॉट गन को ऑन कर लेते हैं। तो इस वाले लैपटॉप में दिक्कत क्या है, अगर ये लैपटॉप को, तो इसका जो प्रोसेसर है इसको थोड़ा, मतलब PCS और प्रोसेसर एक कॉम्बो आता है, उसको थोड़ा भी हीट करते हैं तो ये लैपटॉप ऑन हो जाता है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, मैं पीछे से कर रहा हूँ, आगे से भी करके देख लिया मैंने, मतलब इसको रिफ्लो भी करके देख लिया, पर सेम कंडीशन है। इतना काफ़ी है लग रहा है। तो फिर से एक बार DC सप्लाई को ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 8 mA और बोर्ड भी ऑन हो गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए स्विचिंग कर रहा है, फैन का भी आवाज़ आ रहा है। ये देखिए फैन घूम रहा है और बोर्ड भी ऑन हो चुका है, इसका पावर LED भी ऑन होगा। यहाँ पर पावर LED है, पावर LED ऑन नहीं है, पर बोर्ड तो चल रहा है, डिस्प्ले भी होगा इसमें, डिस्प्ले का कुछ दिक्कत नहीं है। तो ऐसे रिस्टार्ट हो गया देखिए, क्योंकि इसमें CMOS कनेक्टेड नहीं है, फिर से ऑन हो गया। ये देखिए पावर LED अभी आ गया और डिस्प्ले भी आ चुका होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो इस ऐसे केस स्टडीज़ आते हैं, मतलब ऐसे भी लैपटॉप होते हैं जिसमें ऐसे गर्म करने से ये ऑन हो जाता है, पर ये अभी 5 मिनट अगर हम इसे ऐसे सेम कंडीशन में रखते हैं तो ये फिर से वैसे ही ट्रिगर नहीं होगा वैसे कंडीशन में। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक चीज़ है, इसमें i3 6th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। एक चीज़ है जो कि BGA मशीन होती है हमारी, उससे आप एक काम कर सकते हो, इसे रिफ्लो मतलब BGA से निकाल के चिप को एक बार रिबॉल करके देख सकते हैं। अगर रिबॉल करके भी सेम इश्यू होगा तो दूसरी चीज़ होती है इसका प्रोसेसर, मतलब PCS में कुछ तो दिक्कत है, तो इसलिए इसका PCS को रिप्लेस करना होगा। तो ये है एक अनोखी केस स्टडी जो मैंने आपको दिखाई। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। ये अभी अभी थोड़ा गर्म है, पर फिर से एक बार मैं देखते हैं, मतलब ये फिर से ऑन होता है कि नहीं। तो इसका DC जैक लगा देता हूँ पहले। ओके, लगा दिया, फिर से ऑन करता हूँ, अभी ऑन होगा ये देखिए, पर ये थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ऑन नहीं होता, ऐसी इसमें दिक्कत है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो चालू करते वक्त ही दिखा दिया था, वही कंडीशन इसमें है। तो फिलहाल तो इसमें दो ही काम हो सकते हैं, एक तो रिबॉल करना CPU को और फिर से लगाना, दूसरा हो सकता है CPU को चेंज करना। बाकी बोर्ड में कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने RTC BTC सब सेक्शन चेक किए। थैंक यू और सब्सक्राइब कीजिए।